आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्त वाले मसाला पराठा की रेसिपी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप वर्त के पराठे या फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं तो आपकी जो रोटी या पराठा है वो फट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे कि आपका जो पराठा है वो फटेगा भी नहीं और बहुत ही आराम से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। तो वर्त वाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मिक्सिंग बाउल के अंदर एक कप सिंघाड़े का आटा डाल दें। सिंघाड़े के आटे की जगह पर आप चाहें तो कुट्टू का आटा या फिर सामक का आटा भी ले सकते हैं। दो से तीन हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल दें। साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है, काफ़ी टेस्टी इससे हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार होते हैं। मैंने यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, एक तिहाई छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और एक छोटा चम्मच मैं यहाँ पर इसके अंदर ये जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालना ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये तीन बड़े चम्मच दरदरी पीसी हुई मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने मूंगफली को हल्का सा पैन के अंदर डालकर उसको रोस्ट कर लिया, उसके बाद में मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर तीन बड़े चम्मच डाला है। साथ ही में हम इसको खट्टा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर डाल रहे हैं नींबू का रस। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये एक नींबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो नींबू है इसके अंदर ज़्यादा रस नहीं है, कम रस है, तो मैंने पूरा का पूरा नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पर ये तीन मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम इसके अंदर कद्दूकस करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो उसको मैश करके भी डाल सकते हो, लेकिन कद्दूकस करके डालने से क्या होता है कि जो पराठा है वो फटेगा नहीं, बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हैं। इसे मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आपका आटा है थोड़ा कम है ज़्यादा है या फिर आलू थोड़े मोटे हैं पतले हैं, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू को इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद ही आपको अगर ज़रूरत लगे तो इसके अंदर पानी ऐड करना है। मुझे इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, मेरा जो आटा है वो पूरा का पूरा इस आलू से ही अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। इस आटे को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि ये आटा रखने के बाद में थोड़ा पतला हो जाता है। तो इस तरीके से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पर ये एक छोटा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप अगर व्रत में रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वो हाथों के साथ में चिपकेगा नहीं। उसको मसल कर थोड़ा इस तरीके से चिकना कर लीजिए। इस आटे को लगाने के बाद में आपको इसे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, तुरंत ही आप इसे पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा नींबू से बड़े साइज़ की इसकी पेड़ी बनाएं। इस तरीके से अपने हाथों के बीच में आप इसको रोल करते जाएंगे तो बहुत ही आराम से आपका जो पेड़ा है वो बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बीच में कोई भी क्रैक्स ना रहे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे या तो सूखे आटे से डस्ट कीजिए और आराम से आप इसको बेल सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर ये वाला तरीका जो है ये सबसे आसान है। तो आप इस तरीके से कोई भी पोलोथीन ले लीजिए, पोलोथीन को बीच से कट कर लें। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी इस तरीके से अप्लाई कीजिए। अगर व्रत में घी खाते हो तो घी डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन घी या तेल को अच्छे से अप्लाई करना है। इसको ऊपर से कवर कर लीजिए, दोनों साइड आपको घी लगाना है और इस तरीके से थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लें। उसके बाद में कोई भी प्लेट लेंगे और इस तरीके से प्लेट से आप इसको चारों तरफ ऐसे दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से इसको रोल कर लीजिए। अगर आप बेलकर नहीं बना सकते तो ये तरीका सबसे आसान है। अगर कोनों से थोड़ा बहुत फटा हुआ है तो पोलोथीन से ही आप इसको इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल राउंड शेप दे सकते हो। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये पराठा बिलकर तैयार हो गया है। तो आप इसको पोलोथीन से इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, बहुत ईजिली पोलोथीन से अलग हो जाता है। और अगर आपको इसे बेलन से रोल करना है तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लीजिए। एक हाथ से आप इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, दूसरे हाथ से अंगुलियों से आप इसको साइडों से प्रेस करते रहेंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से थोड़ा सूखे आटे से इसको डस्ट करके लेना है। यहाँ पर आपको इसका जो पेड़ा बनाना है, पेड़े को बिल्कुल टाइट हाथ से आपको बनाना है। हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर लीजिए पहले, उसके बाद में आप इसको बेलन से बेलिए। अगर आप इसे डायरेक्ट ही इस तरीके से बेलेंगे तो आपका पराठा जो है वो कोनों से फट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको हल्के हाथ से रोल कर रही हूँ। पहले आप इसे उंगलियों से रोल कीजिए, उसके बाद में आप इसे बेलन से रोल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसके किनारे फटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हल्के फुल्के फट जाते हैं तो आप उसको इस तरीके से सील कर लीजिए। आप इस पराठे को किचन सरफेस से ऐसे ही डायरेक्ट हाथ से ना उठाएं, आप इसको इस तरीके से पलटे से पहले चारों कोनों से अलग कीजिए, उसके बाद में आप इसको इस तरीके से उठाइए, तो बहुत ईजिली आप पराठा बेल लेंगे।
अब यहाँ पर इसे सेकने के लिए मैंने तवे को गर्म किया है। तवे को आपने मीडियम गर्म कर लेना है, उसके बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखना है। पराठे को आप 2 मिनट के लिए एक साइड से सेक लें। तो मैंने यहाँ पर पराठे को 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर एक साइड से सेक लिया है। उसके बाद में हम इसको उलट लेंगे। तो इस तरीके से पलटे से आप इसको उलटें और उलटने के बाद में आप इसे 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सिकने दें। उसके बाद आप इसके ऊपर देसी घी लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। अगर व्रत में आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हो। इस तरीके से उलटते पलटते हुए आप इसे दोनों ओर से अच्छा खस्ता क्रिस्पी और थोड़ा सुनहरा होने तक सेक लें। मैं यहाँ पर ये पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको पराठा नहीं बनाना है, रोटी बनानी है, तो आप इसे इसी तरीके से रोटी भी सेक कर तैयार कर सकते हो। बिना घी के आप इसको सेक लीजिए। अगर आप इसे लोहे के तवे पर सेकते हैं तो फिर आप तवे को पहले हल्का सा ग्रीस कर लें, उसके बाद आप उसके ऊपर रोटी डालें, उसके बाद ही आपको इसे सेक कर तैयार करना होगा। आप इस पराठे को किसी भी व्रत वाली चटनी के साथ में सर्व कीजिए या फिर दही के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।